उधर वैक्सीनेशन पर सरकार के पैनल की सिफारिश सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, वैक्सीनेशन पर सरकार के पैनल की सिफारिश, कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की गई है। सरकारी पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है दो डोज के बीच में 12 से 16 हफ्ते का अंतर हो, कोरोना से ठीक होने के बाद 6 महीने तक वैक्सीन न लगवाएं, ये सरकारी पैनल ने रिकमेंड किया है। इसके अलावा बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सरकारी पैनल की सिफारिश, डिलीवरी के बाद कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। तो जो सिफारिशें की गई हैं उसमें कोविशील्ड वैक्सीन के बीच में जो दो डोज के बीच का अंतर है उसे बढ़ाने की बात कही गई है, 12 से 16 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। इसके अलावा 6 महीने तक वैक्सीन ना लगवाएं जो भी लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, ये रिकमेंडेशंस किए गए हैं। साथ ही अभी तक जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, जो बच्चों की फीडिंग कर रही हैं, उनके लिए रोक लगाई गई थी, उन्हें रोका गया था कि वो वैक्सीनेशन ना कराएं, इसमें अब डिलीवरी के बाद कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं, सरकारी पैनल ने ये भी रिकमेंड किया है।